हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, इंसान वही सफल होता है ना जो अपने आंखों में एक सपना लेके चलता है और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और ये सोचता है कि मुझे अपना सपना पूरा करना है किसी भी कीमत पे, चाहे वो पढ़ लिख के हो या कोई भी ऐसा काम स्टार्ट करे जो उसका उसकी अंतरात्मा कहती है उसमें वो सक्सेस पाना चाहता है। कोई भी काम हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित, जैसे हम लोग इससे रिलेटेड है तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए उसके मन में वो आग, वो जुनून होना चाहिए। और ये कैसे होगा ये आपकी सोच पे ही डिपेंड करता है। एक चीज जान लीजिए कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी ना कि सपने देखना बुरी बात है, अपने शौक को और बढ़ावा देना बुरी बात है। जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों को देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें शौक होता है कि उन्हें भी, जैसे किसी को अपना आदर्श मानते हैं, उनको होता है कि मैं मुझे उसकी तरह बनना है, मेरे पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, मैं अपने माँ बाप के लिए ऐसा कर सकूं, मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, मैं ऐसी ऐसी जगह पर घूमने जा सकूं। होता है, ये कतई भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप एक सादा सीधा सादा जीवन बिताइए और कुछ ना करिए, हमेशा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहिए, सारे काम ऐसे ही करते रहिए, उसके बदले में कुछ लीजिए ना। मैं ये कतई नहीं कहूंगी। आपके दिमाग में जब तक ये नहीं होगा कि मुझे इस काम के बदले मिल क्या रहा है, मैं अगर सपना देख रहा हूं तो वो पूरा कैसे होगा, कैसे वहां तक मैं पहुंचूंगा, क्या ऐसा करूं कि जो मैं काम करूं उसके बदले में मेरा सपना पूरा हो जाए एक शर्त के तहत। जैसे कोई बिजनेस करता है तो एक शर्त होती है ना कि अगर वो व्यक्ति ये काम करता है तो उसके बदले उसको कुछ मिलता है। कहीं भी कोई भी किसी को भी आप देखिए कि कुछ भी काम करता है तो उसके बदले वो कुछ मिलता है उसको। आप कहीं काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। तो कतई भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सब अगर दिमाग में आ रहा है तो वो गलत नहीं है। हाँ, सेल्फिश थोड़े से साउंड ऐसा आएगा कि आप सेल्फिश हैं, ठीक है। तो मैं तो अगर ये सब देखा जाए तो मैं बहुत बड़ी सेल्फिश हूँ एक तरह से, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के बारे में बस सोचा। और एक टाइम जब था कि जब सारे लोगों के बारे में सोचती थी, सब कुछ सोचती थी, मतलब बाकी चीजें भी दिमाग में आती थी, तो कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर फोकस किया, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया, तो वही देखिए मेरे पास आज के डेट में भगवान की कृपा से सारी चीजें हैं जो मैंने सोचा था। मैं एक संतुष्ट जीवन जी रही हूँ, सुखी जीवन जी रही हूँ। आगे भी लाइफ में और भी कुछ करना है, मैंने सपने देखा है, उसके लिए जीतोड़ मेहनत भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी अगर पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कहीं से भी गलत नहीं है। अब बात आते हैं मुद्दे की, ये कि ये सारी चीजें कहने का मकसद ये है ना कि जैसे मैंने कहा कि आपको उसके बदले में कुछ मिलना ही चाहिए। जैसे कि आप किताब खरीदे, ठीक है, आपने पैसे लगा के किताब खरीदा, यहाँ पे मैं पैसे की बात थोड़ी सी करूंगी, आपने पैसे लगा के किताब खरीदा तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसके बदले में मुझे क्या मिला, मैंने कितना उससे निकाला। वो किताब तो मैंने खरीद लिया, पैसे लगाए मैंने, अपना कुछ इन्वेस्ट किया, तो इसके बदले में मैंने उस किताब से क्या सीखा, क्या मुझे फायदा हो रहा है, क्या मैंने उस किताब से सारी चीजें ली, उसका फायदा उठाया मैंने। बिल्कुल, आप फायदा उठाने का सोचिए। अगर आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपनी मेहनत लगा रहे हैं तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, ये आपकी सोच होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आपने कहीं टेस्ट ज्वाइन किया है, आपने वहां पैसे लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, अगर आप अपना समय दे रहे हैं घंटे का, आधे घंटे का उस टेस्ट के लिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने सीखा क्या, क्या मुझे फायदा हो रहा है, क्या इस टेस्ट से मेरे दिमाग में सारी चीजें सही से मतलब आ रही हैं, एग्जाम से रिलेटेड चीजें हो रही हैं सही से। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर वो काम करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको हमेशा अपना फायदा देखना है। कोचिंग कहीं ज्वाइन किए हैं, पैसा लगाए हैं, पेड कोर्स लिया है, टीचर पढ़ा रहे हैं, अपने वीडियोज हैं जो भी है, आप नोट्स बना रहे हैं, आप नोट्स बना रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि मैं इतनी इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना समय दे रहा हूँ अपने नोट्स बनाने के लिए, क्या ये सारी चीजें जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इससे मुझे फायदा हो रहा है, ये चीजें मेरे दिमाग में बैठ रही हैं, ये चीजें मुझे समझ में आ गई, इस चीज को मैं निचोड़ के अपने जो आने वाला समय है उसमें मैं यूज कर पाऊंगा, मैंने जो कोचिंग ले रखी है वो वीडियो जो आ रहा है, क्या मैं उस टीचर के वीडियो को इतनी बार मैं ऐसा देखूं, ऐसा समझ के पढ़ूं कि वो दिमाग में बैठे, ताकि मेरा पैसा वसूल हो। आप थोड़ा सा ना अपने आप को इन चीजों से रिलेट करिए, कहीं से भी कोई गलत नहीं है। अगर आप सपने देखते हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा सेल्फिश भी बन जाते हैं, कोई बुरा नहीं है। और सफलता तभी मिलती है जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, सेल्फिश बनते हैं, तो दिक्कत नहीं है, अभी भी समय है। बार बार मैं कह रही हूं कि अपने समय को, अपने सपने को पूरा करने के लिए समय का महत्व समझिए। और गलतियां हो रही हैं, फिर उससे आप सीख रहे हैं, फिर उठ के खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां वही करेगा इंसान जो प्रयास करता है, कोशिश करता है। तो अगर आपसे बार बार गलतियां हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाखों बार आप फेल्योर हो रहे हैं, बार बार, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप उससे कुछ सीखिए, आगे बढ़िए, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। लेकिन उन गलतियों से आपको सीखने की जरूरत है, एक ही गलती बार बार नहीं दोहराई जानी चाहिए। तो
इसके लिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मैं बार बार असफल होता हूँ, मैं बार बार मुझसे नहीं होता है। जैसे आप लोगों के कमेंट आते हैं, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। काबिलियत तो सबके अंदर है, बस बात वही है जो मैंने कहा ना कि सोच की। देखिए दिमाग है ना, दो तरह का चेतना और चेतन मन होता है हमारा। माइंड में क्या होता है, चेतना, जैसे हम इस समय जो जागृत अवस्था में सोच रहे हैं ठीक है वो तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो सोच है ना हमारे अवचेतन मन को बड़ा ही प्रभावित करती है, और वो हमारी सोच को ना रियलिटी में बदलने का प्रयास करता है। जहां तक मेरा अनुभव है, मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जो मैं छोटी सी चीज मैंने सोची है वो बाद में मेरे साथ फ्यूचर में वो हुई है, चीजें रियलिटी में घटित हुई है। मैंने जैसा अपना जीवन सोचा था कभी कि मेरे पास ये हो वो हो, एक कल्पना करती थी, गाड़ी हो, एक जमीन में ले पाऊं, घर ले पाऊं, अपने लाइफ पटरी पे ले आऊं, सारी चीजें मैं सोचती थी। आज के डेट में वो सारी चीजें मुझे हकीकत में साबित सही साबित होती हुई दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं से आपकी सोच का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पॉजिटिव सोचिए हमेशा, कितनी भी आपकी स्थिति खराब है, मैं मानती हूँ कि अच्छी सोच नहीं आएगी उस टाइम में, लेकिन आप हमेशा यही सोचिए, ये सोचिए कि अभी स्थिति खराब है लेकिन इसको मैं सही करूंगी, आगे ये चीजें सही होंगी, मैं करूंगी, मैं, मेरे अंदर वो काबिलियत है क्योंकि मेरी जिंदगी है। ऐसे अपना बच्चा होता है तो बच्चा कब भूखा है, कब रो रहा है, कब हंस रहा है, एक माँ को पता होता है। तो जिंदगी आपकी है, क्या उसमें कमी है, क्या अच्छाई है, कहाँ पे जो कमी है कहाँ पे काम करना है आपको। बार बार आप असफल हो रहे हैं तो कहाँ पे आपको उस कमी को दूर करने के लिए कहाँ पे काम करना है। असफलता क्यों मिल रही है, क्यों आप एग्जाम में थोड़े नंबरों से रह जा रहे हैं, आप थोड़ा सा बैठ के सोचिए, आपको अपनी कमी दिखाई देगी, उस पर काम करिए। बस सफलता का एक यही एक मूल मंत्र है कि आप अपने रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़िए। तो सेल्फिश होना कहीं से भी गलत नहीं है, अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। कहीं भी अगर आप अपना कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा या अपना समय या अपनी मेहनत इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि इसके बदले मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें लेनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।